ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਣੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇਹ 9ਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ 1.25 ਲੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਸੌਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਝੇ वीरों की भूमि शेखावटी से देश के लिए अनेक विकास परियोजनाओं को शुरू करने का अवसर मिला है। आज यहां से देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, सीधे उनके बैंक खाते में जमा हुए हैं। आज देश में 1.25 लाख 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत की गई है। सारा देश इस बात का साक्षी है कि जब प्रधानमंत्री जी ने देश का कार्यभार संभाला तब से उनकी प्राथमिकता रही है गांव, गरीब और किसान की प्रगति, उसके घर में खुशहाली। और इसलिए आप सब ने महसूस किया होगा, कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, नवाचार बढ़े, तकनीक का समर्थन हो, छोटे किसान की ताकत बढ़े, छोटे किसान की आमदनी बढ़े और हमारी कृषि की जो अर्थव्यवस्था है वह मजबूत हो और देश के विकास में उसका अधिक से अधिक योगदान हो सके। इस दृष्टि से अनेक योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन 9 वर्षों में आरंभ की गई हैं।